1% कमीशन पर करोड़ों का लोन, साउथ के 14 लोगों से 60 लाख ठगे, खुद को बताते थे इंडस्ट्री फाइनेंसर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेरा तेलंगाना के वारंगल में बिजनेस है, मुझे सीएनजी प्लांट के लिए 10 करोड़ का लोन चाहिए था। बिजनेस लोन देने वाली आरएसडी अल्फा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहा कि बस लोन अमाउंट का 1% देना होगा और मुझे लोन मिल जाएगा। कोई दस्तावेजी कार्रवाई नहीं थी, मैंने सोचा अच्छा ऑफर है, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार होने वाला हूँ। ये कहना है डॉक्टर देंदुकुरी सुरेश राव का, जो आरएसडी अल्फा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। सुरेश राव के अलावा 16 लोग और हैं जिनके साथ कंपनी ने धोखाधड़ी की है और 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। सुरेश राव ने इस धोखाधड़ी की शिकायत भोपाल के एमपी नगर थाने में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दर्ज कराई है। पुलिस ने कंपनी के एक पार्टनर को गिरफ्तार किया है, मगर धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड अविनाश दुबे अभी भी फरार है। खास बात यह है कि ये कंपनी केवल साउथ में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। अविनाश दुबे ने पूरी प्लानिंग के साथ धोखाधड़ी की इस वारदात को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाया था धोखाधड़ी का नेटवर्क। आरएसडी अल्फा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने धोखाधड़ी के इस नेटवर्क को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। सुरेश राव को सोशल मीडिया के जरिए ही इस फर्जी कंपनी के बारे में पता चला था। सुरेश राव बताते हैं कि कंपनी ने लोन देने के संबंध में कुछ एड पोस्ट किए थे, मैंने पोस्ट में दिए नंबर से संपर्क किया। मेरी बात रविशंकर दुबे उर्फ अविनाश दुबे से हुई। दुबे ने फोन पर बताया कि लोन के अमाउंट का 1% एडवांस में देना होगा, इसके बाद 20 करोड़ तक का लोन बिना किसी कागजी कार्रवाई के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। सुरेश बताते हैं कि अक्टूबर के महीने में ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कंपनी के 3 लोग पहुंचे थे। अविनाश दुबे के साथ किरण और मोहित भी थे। किरण विशाखापट्टनम का रहने वाला है, इसलिए उससे बातचीत में आसानी हुई। कुछ पेपर्स पर साइन करवाकर तीनों वापस लौट गए। 10 दिन बाद शर्त के मुताबिक मैंने कंपनी के खाते में 4,35,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अक्टूबर में सुरेश राव ने कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन जब कई दिन बीत गए और कंपनी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला तो उन्होंने खुद अविनाश दुबे के नंबर पर कॉल किया। फोन लगा ही नहीं, जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने भोपाल जाने का फैसला किया। सुरेश ने जब पैसा वापस करने के लिए कहा तो उनकी दोनों के साथ कहासुनी हो गई। आखिर में जब सुरेश ने दोनों को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के मुताबिक तय हुआ कि अगले 20 दिन में लोन अमाउंट सुरेश के अकाउंट में नहीं आया तो उसके एवज में ली गई 1% की राशि कंपनी लौटा देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।